हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोगीक और मैं हूं आपका आकाश सर। आज हम लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो पीएचडी एडमिशन के बारे में दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे आपको जाना है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जब आप जाओगे तब आपको बेसिकली जाना है पीएचडी एडमिशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ये दिख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करोगे तो कुछ आपको इस तरीके से वो दिखेगा। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के लिए, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। देखिए, ध्यान दीजिए, उन बच्चों के लिए जो क्वालिफाइड हुए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन थ्रू नेट। अभी का जो नेट का रिजल्ट लगा है लास्ट वीक में, उसमें देखिए बच्चों को तीन कैटेगरीज में पास किया हुआ है। पहला तो होगा उनका नेट जीआरएफ, दूसरे होंगे नेट एलएस और तीसरे होंगे नेट फॉर पीएचडी एडमिशन। सो ये बच्चे भी अभी पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। हमारे एग्जाम जो है वो पहले ही हो चुकी है 31 अगस्त को। ओके, जो बच्चों ने पेड दी हुई है, अब जिन बच्चों का नेट का रिजल्ट लगा है उनके लिए ये स्पेशल लिंक जो है वो ओपन कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने। ओके, देखिए यूनिवर्सिटी सर्कुलर नंबर 152 रेफरेंस पीजीसी 9/7/2024, ये पहले नोटिफिकेशंस थे सारे। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट हेल्ड बिटवीन 21 अगस्त टू 5 सितंबर 2024 फॉर पीएचडी एडमिशन एंड हु आल्सो अपीयर्ड फॉर द पेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हेल्ड ऑन 31 अगस्त 2024। ओके, सो उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में क्वालिफाइड हुआ है नेट एग्जामिनेशन, उन बच्चों के लिए फिर से एक चांस है कि वो अगर चाहे तो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं अगर उनको पीएचडी करनी है। बहुत बार ऐसा हो गया होगा किस बच्चे का पेट नहीं निकला है बट वो बच्चा अभी नेट क्वालिफाई हुआ है, अभी एमएससी हुई है, अभी नेट का फॉर्म भरा और अभी नेट पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो गया है, तो उस बच्चे के लिए या उस स्टूडेंट्स के लिए ये चीज है। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5th नवंबर। कितना है? 5th नवंबर। फीस कितनी होगी? जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज और रिजर्वेशन के लिए 400। इन बच्चों ने कोई एग्जाम नहीं देनी है, ये बात नोट करके लीजिए। इन्होंने सिर्फ आपका जो आपको सर्टिफिकेट मिला है कि आप क्वालिफाइड हो गए वो डाल देना है। कहां जाना है? सो इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको जाना है वही पे जो मैंने अभी साइट ओपन करके दी थी। एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वेबसाइट यूनिपुणे या पीएचडी एंट्रेंस एप्लीकेशन जो मैंने अभी बताया था। स्टूडेंट शुड क्लिक ऑन द अप्लाई फॉर पेट एग्जेम्पशन, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको वहां पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर पेट एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन है आपका क्योंकि आपको एग्जाम नहीं देनी है और कोई लेगा भी नहीं आपकी एग्जाम अभी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो नेट क्वालिफाइड हो चुके हो। थ्रू द लॉग इन एंड फिल देयर फॉर्म एंड फीस। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? वही, कैंडिडेट शुड अपलोड द फोटोकॉपी ऑफ नेट सर्टिफिकेट क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन हेल्ड बिटवीन 21 अगस्त टू 5 सितंबर। इन्हीं बच्चों ने करना है। ओके, जो 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में एग्जाम हुई है उन बच्चों के लिए। So, online registration process will be treated as completed only after the required documents are uploaded and payment of application fees on or before the last date of the application. So, last date of application क्या है? 5 नवंबर, याद रखो। ठीक है, सो जो बच्चे अभी
नेट एग्जाम पास हुए हैं तो प्लीज फॉर्म भर दीजिए। सेंटर चूज करने के लिए अभी तक आया नहीं है। अब जो बच्चे जिन्होंने पहले ही पेट वगैरह क्वालिफाई हो गई है तो वो बोलेंगे कि सर हम अब कब एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी हमारे लिए। तो ये होने के बाद फिर आपके लिए विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको जो है वो सेंटर सिलेक्ट करने हैं। अभी फिलहाल जो एफिलिएटेड गाइड से या गाइड से पुणे यूनिवर्सिटी में उनके लिए ओपन हुआ है कि वो अपने वैकेंट पोजीशन दिखा सकते हैं, उनकी डेट भी बढ़ चुकी है तो वो अपने पास अगर वो विलिंग करना चाहते हैं कुछ बच्चे अगर उनके पास पोस्ट खाली है पीएचडी एडमिशन के लिए वैकेंसी है तो वो भर सकते हैं आपके उनकी वैकेंसी जो है वो दिखा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको फिर से चेक करना है कि कौन से सेंटर में कौन से कास्ट में कितनी जगह है कैसा है ये सारी चीजें और आपको फिर ओपन होगा आपका सेंटर सिलेक्ट करने के लिए विंडोज वही होगा। ओके, सो कहां पे फिर से एक बार हम बता देते हैं, देखिए यही पे आपको जाना है यहां पे, ठीक है। सो पीएचडी एंट्रेंस यहां पे चले जाइए और आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे बताया है मैंने कि एग्जेम्पशन के लिए आपको अप्लाई फॉर पेट एग्जेम्पशन का वो क्लिक करके वहां पे फॉर्म भरना है। सो जो बच्चे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन जो है वो हम आपको देते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।